साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में संसद से संबंधित अध्ययन को प्रारंभ किया था। आज हम लोग उसी के आगे कुछ चीज़ें प्रारंभ करते हैं। हम लोग आज आर्टिकल 85 के बारे में देखेंगे, अनुच्छेद 85 के बारे में। अनुच्छेद 85 कहता क्या है? अनुच्छेद 85 कहता है, संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकतम जो अंतर होगा वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक अंतर ना होने का मतलब कि एक वर्ष में कम से कम दो सत्र तो बुलाए ही जाएंगे। लेकिन भारतीय परंपरा में हम लोग देखते हैं, जो हमारी संसद के मुख्यतः तीन सत्र बुलाए जाते हैं। समय समय पर इन सत्रों को बढ़ा भी दिया जाता है, जिसे विशेष सत्र के नाम से जानते हैं। तो आज का जो डिस्कशन होगा हम लोगों का, वो इसी पर केंद्रित होगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 85 क्या कहता है। आर्टिकल 85 कहता है, संसद के दो सत्रों के बीच, संसद के दो सत्रों के मध्य अंतर 6 माह से अधिक नहीं होगा। छह माह से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में, एक वर्ष में न्यूनतम न्यूनतम दो सत्र बुलाए जाएंगे। अब समझने का प्रयास करते हैं इसको और डिटेल में कि संसद के जो सत्र होंगे, अब जो परंपरा भारतीय संविधान की जो परंपरा विकसित हुई है, उसमें जो सत्र होते हैं उनकी संख्या तीन है। तो हम देखेंगे जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार जो सत्र हैं वो तीन सत्र कौन कौन से हैं। तो इन तीनों सत्रों को हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला जो सत्र है, उस सत्र का नाम है बजट सत्र, बजट सेशन। तो बजट सत्र जो होगा, इसके बारे में क्या कहा जाता है या क्या इसका सिस्टम है? तो पहला जो सत्र है वो बजट सत्र है। अब देखिए, बजट सत्र को समझने से पहले हम थोड़ी सी इकोनॉमी की भी चर्चा कर लेते हैं। अमूमन बात करेंगे 2017 से पहले, 2017 से पहले हमारा जो बजट था वो हम कहें कि फरवरी के लास्ट वीक या लास्ट डे तक आता था, मतलब 25, 26, 27, 28 तक आता था। और पूरा का पूरा जो चर्चा चलती थी बजट के ऊपर वो मई तक होती थी। कहने का मतलब देखिए, और हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष वर्तमान में भी चलता है और उस समय में भी, और वित्तीय वर्ष वही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ये वित्तीय वर्ष होता है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर था क्या। यहां पर हम देखते हैं 2017 से पहले जो बजट सत्र का प्रारंभ होता था उसकी अवधि फरवरी से मई के मध्य होती थी, लेकिन 2017 के बाद ये हमारा जो सेशन हो गया वो फरवरी मार्च हो गया है, फरवरी और मार्च हो गया। ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण थे इसके? तो हम देखते हैं इसके कारणों को। देखते थे कि ये जो सेशन होता था बजट सत्र, इस पर डिस्कशन करने में 3 माह का समय लग जाता था, 3 मंथ का समय। अब सोचिए, और इस पर जो पैसा, जो बजट होता है वो प्रक्रिया क्या होती, वो हम देखेंगे कि एक प्रकार से जो गवर्नमेंट होती है वो आय और व्यय के बारे में बताती है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। अब आय और व्यय के बारे में बताएगी तो सरकार खर्चा कैसे करेगी? सपोज करिए कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है
हमारा जो वित्तीय वर्ष है 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और बजट पर अभी तक चर्चा ही चल रही है। तो हम देखेंगे अप्रैल और मई के खर्चे कहाँ से आएंगे सरकार के। अब सरकार के खर्चे क्या होंगे डिटेल में सीखेंगे इकोनॉमी में, लेकिन यहाँ पर हम लोग बस इतना सा जान लेते हैं कि लोगों को सैलरी देनी होती है, पेंशन देनी होती है, जो सरकार के द्वारा अनाउंस्ड पॉलिसीज होती हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अप्रैल और मई का खर्चा कहाँ से पूरा होगा, तो इसके लिए 2017 से पहले प्रावधान ये था कि सरकार लेखानुदान करती थी। अब लेखानुदान के माध्यम से लोकसभा में ये पेश होता था, लोकसभा इसको पारित करती थी, तो 2 माह का खर्चा इसके माध्यम से निकल के आता था। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि किसी वित्तीय वर्ष का जो बजट है, मान लीजिए कोई वित्तीय वर्ष 2019-20 है, काल्पनिक एग्जांपल है, इसका जो बजट है ये प्रस्तावित है 12 लाख करोड़ रुपए। अब 12 लाख करोड़ रुपए है तो हम इसको अगर मंथ में बांटे तो एक मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए में हमारा खर्चा चल जाएगा। तो 1 लाख करोड़ के अनुसार मतलब 2 लाख करोड़ रुपए 2 महीने में, क्योंकि ये जो गैप हो रहा था फरवरी और मार्च का, सॉरी ये अप्रैल और मई का जो गैप हो रहा था वो 2 महीने का गैप जो लेखानुदान के माध्यम से निकल रहा था। तो यहाँ देखेंगे कि 2 लाख करोड़ रुपए लेखानुदान के माध्यम से सरकार निकालती थी, तो बचता क्या था 10 लाख करोड़ रुपए। बाद में जो सरकार को पैसा मिलता था वो 10 लाख करोड़ रुपए मिल जाता था। लेकिन 2017 के बाद हुआ क्या, 2017 के बाद ये हुआ कि सरकार बजट को थोड़ा सा पहले लेके आएगी। अब बजट को पहले लाने का मतलब ये है, बजट अब आने लगा, देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जनवरी लास्ट तक हर हाल में आ जाता है और बजट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाता है, तो पूरी फरवरी और मार्च डिस्कशन हो सकता है बजट पर, ताकि अप्रैल से 1 अप्रैल से जो खर्चा होगा सरकार का वो बजट के द्वारा ही, मतलब लेखानुदान की प्रक्रिया का भी समापन हो गया 2017 के बाद में। और ये जो अनुदान है विभिन्न, ये इनके बारे में हम आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे, पहले अब इतना सीख लेते हैं। तो अब हम बजट सत्र पर आते हैं, बजट सेशन, बजट सत्र। देखेंगे बजट सत्र जो होता है वो मुख्यतः वर्ष का प्रथम सत्र होता है, वर्ष का प्रथम सत्र होता है। अब वर्ष का प्रथम सत्र होगा तो इसके साथ साथ बात करेंगे इसकी अवधि क्या होगी, अवधि फरवरी मार्च होती है। इसका जब प्रारंभ होता है तो इसका प्रारंभ कैसे होगा, इसका प्रारंभ होगा राष्ट्रपति के यानी कि संयुक्त बैठक के बारे में चर्चा की गई है पीछे की क्लासों में कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी और इसकी जो अध्यक्षता होगी वो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे। संयुक्त बैठक में क्या होगा, राष्ट्रपति साहब का अभिभाषण होगा। ये अभिभाषण क्या होता है, राष्ट्रपति जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर देखेंगे कि जो नीतियां योजनाएं और कार्यक्रम होंगी और इस वर्ष में क्या क्या प्लान है इसके बारे में राष्ट्रपति साहब संसद को अवगत कराएंगे कि ये चीज़ें सरकार का प्लान है, मतलब मंत्रिपरिषद ये काम करना चाहती। उसके बाद देखेंगे अभिभाषण जब हो जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है राष्ट्रपति साहब को। अब धन्यवाद प्रस्ताव वो भी अलग अलग देखेंगे, देखिए एक एक टर्म से एक एक क्वेश्चन आएगा, अलग अलग का मतलब लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान था, अब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग जब होगा तो हम देखेंगे अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तब तो ठीक है, प्रक्रिया ऐसा कुशल चलती रहेगी। लेकिन अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव है अगर ये पारित नहीं होगा तब समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आएगी, इसका मतलब ये होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं है
और जब विश्वास मत्र नहीं प्राप्त है तो सत्ता में बने रहने का अधिकार उनका नहीं होगा। अगर वो सत्ता नहीं त्यागते हैं तो विपक्ष को ये चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार का विघटन करें या सरकार को गिरा के अपनी सरकार स्थापित करें। तो ये प्रक्रिया थी। इसमें मुख्यतः जो कार्य होती है वो बजट या वित्तीय कार्यों पर चर्चा होती है। बजट सत्र में वित्तीय कार्य पर चर्चा। तो ये जो है हमने बजट सत्र के बारे में कुछ चीजें देखी। अब हम अपने दूसरे सत्र के बारे में आते हैं। दूसरा सत्र क्या होता है? दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र क्या है? मानसून सत्र हम देखेंगे सरकार का, ये वर्ष का द्वितीय सत्र होता है। द्वितीय सत्र तो इसकी जो अवधि होगी वो जुलाई अगस्त होगी। और इसमें किस तरह के कार्य किए जाएंगे? तो इसमें जो है मुख्यतः विधायी कार्यों पर चर्चा होगी, जो अधिनियम नियम लाने होंगे उन पर चर्चा होगी। मानसून सत्र द्वितीय सत्र होता है। जुलाई अगस्त इसकी अवधि होती है। और इस पर जो चर्चा की जाती है वो मुख्यतः विधायी कार्यों पर चर्चा। विधायी कार्यों पर इसमें चर्चा की जाएगी। अब हम अपने अंतिम सत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अंतिम सत्र होगा वो कौन सा सत्र होगा? वो होगा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र की अवधि क्या होगी? नवंबर दिसंबर होगी। अब नवंबर दिसंबर होगी और उसमें भी जो कार्य हैं वो यही मानसून सत्र के ही कार्य विधायी कार्य होंगे। तो शीतकालीन सत्र शीतकालीन सत्र ये तृतीय सत्र होता है वर्ष का। इसमें मुख्यतः जो बातचीत होगी वो किस पर होगी? मुख्यतः हम बातचीत अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। विधायी कार्यों पर चर्चा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? नवंबर दिसंबर। तो ये सत्र थे। अभी हमने स्टार्टिंग में ही कहा इन तीन सत्रों के अलावा कभी कभी पर विशेष सत्र भी बुलाए जाते। ये विशेष सत्र, देखिए विशेष सत्र कभी महत्वपूर्ण किसी कार्य पर चर्चा करना हो तो सरकार के द्वारा बुलाए जा सकते हैं, या लोकसभा में 1/10 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को दिया जाएगा तो अध्यक्ष साहब सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करेंगे, मतलब कि लोग सत्र को बुला सकते। तो विशेष सत्र हम देखते हैं होता क्या है। पहले विशेष सत्र, देखिए विशेष सत्र मुख्यतः होता क्या है डेफिनेशन के रूप में अगर तय करना चाहे, देखिए इन तीन सत्रों के अलावा, तीन सत्रों को हम देख लेते हैं। तीन सत्रों के अलावा, तीन सत्र कौन कौन से? बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र। इन तीन सत्रों के अलावा, इन तीन सत्रों के अलावा राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, और इसके साथ साथ हम कहें कि राष्ट्रपति और सांसदों के सुझाव पर, सांसदों के सुझाव पर सत्र बुलाता है। अब देखिए यहीं पर हम अगर इसको देखें तो कंडीशन क्या है? दो कंडीशन बनती हैं विशेष सत्र की। दो कंडीशन क्या क्या बनेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्रिपरिषद जो है, वो साहब क्या करें? राष्ट्रपति को बताएं कि साहब कोई विषय आया है जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है तो विशेष सत्र को बुला लिया जाएगा। इसके साथ साथ देखेंगे सांसदों के सुझाव पर, मतलब ये 1/10 सदस्य अगर लोकसभा के अध्यक्ष को
लोकसभा के अध्यक्ष को, अगर हम बात करें यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यदि किसी सदन के कम से कम 1/10 सदस्य, राष्ट्रपति साहब को लिख कर दे दें, राष्ट्रपति को बताएं और यह अनुरोध करें, तो ये सत्र बुलाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति मेन कंडक्टिंग ऑफिसर होगा, मतलब मेन अधिकारी जो बुलाएगा विशेष सत्र को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर और सांसदों के सुझाव पर। सांसद क्या कैसे सुझाव देंगे कि 1/10 सदस्य कम से कम बताएं कि राष्ट्रपति साहब या राष्ट्रपति महोदय ये विषय जो है अति महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, तो इस कारण से संसद का सत्र बुलाया जाना अति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये वाकई में महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, तो ये चीज़ें बनती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर इसके आगे, अब संसद के विशेषाधिकारों की बात करते हैं। सांसद के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 105 पहले देख लेते क्या है। अनुच्छेद 105 कहता है, संसद या सांसदों के कुछ विशेषाधिकार होंगे। अब देखते हैं विशेषाधिकार क्या होंगे। अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105, संसद के कुछ विशेषाधिकार होंगे। अब ये विशेषाधिकार हम देखेंगे तो विशेषाधिकार को दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में देखेंगे, व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार होंगे और सामूहिक विशेषाधिकार। अब इसमें से हम एक एक को पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोग फिर वापस फंडामेंटल राइट की चर्चा करें, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 में क्या प्रावधान है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन उस स्वतंत्रता पर समय समय पर यानी कि कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं। ये प्रतिबंध जो है वो समाज को देखते हुए, राष्ट्र को देखते हुए लगाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार होंगे, इंडिविजुअल जो प्रिविलेज होगा, इंडिविजुअल प्रिविलेज जो होंगे वो क्या होंगे, इसमें बात करेंगे व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार होंगे। इसमें से कहा जाता है संसद में यानी कि सदन में जो सांसद होंगे उनको असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब असीमित का मतलब वो कुछ भी, हम देखते हैं असीमित का टर्म जो है वो बहुत ही ब्रॉड है। यहाँ पर बस एक अपवाद है, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये ऐसा क्यों प्रावधान किया गया। प्रावधान इसलिए किया गया कि हमारे जो संविधान सभा थी उनका मानना था कि जो लोग आएंगे संविधान मतलब कि बनाने के लिए, आगे देश का शासन संचालन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे तो वो किसी क्षेत्र विशेष को, किसी भी जो घटना चल रही होगी उसके बारे में बेबाक रूप से संसद को सूचित कर सके, उनको संज्ञान में ला सके। तो उसमें कभी कभी किसी भी
तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देखते हैं संसद में होता क्या है, गाली गलौज, कभी कभी जूता चप्पल भी चल जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो ये सब इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसका अपवाद है आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 में कहा गया है कि जो सदन होगा यानी कि सांसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर, उसके आचरण पर, जज के आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अब टिप्पणी नहीं करने का मतलब, अब यहीं पर से इसको और समझ लेते हैं। अगर पद मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि पद को पद से हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाए जाने का प्रावधान चल रहा है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये होगा यहाँ पर, तब सांसद महोदय इनके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज बिना इस प्रक्रिया के, हटाए जाने की प्रक्रिया में नहीं है, तो उनके आचरण पर एक भी टिप्पणी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी, ये असीमित स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की। इसी तरीके से देखेंगे कि जो सांसद महोदय होंगे उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा दीवानी मामले में। दीवानी मामले में देखेंगे गिरफ्तारी जो होगी वो 40 दिन पहले, दीवानी मामलों में अगर संसद का सत्र चल रहा होगा तो ना तो 40 दिन पहले ना 40 दिन बाद। हम देखेंगे कि सत्र की स्थिति में, सत्र चलने की स्थिति में, तो दीवानी मामलों में 40 दिन पहले और बाद में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हम ये देखेंगे। और अगर सत्र चल रहा होगा तो इनको कोर्ट में किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ देखेंगे, अगर हम इनकी और थोड़ी सी चर्चा करें इनकी बात पर, तो इनको जो सांसद होंगे वो सदन में इच्छानुसार मत देने का अधिकार होगा। हालांकि इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा हम कर लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही पिछली क्लासों में हम लोगों ने दल बदल देखा, तो दल बदल से थोड़ा सा जो कंट्राडिक्टरी है, मतलब विरोधाभासी है इसके बारे में। हमारा संविधान जो है वो 105 ये कहता है कि जो सांसद महोदय होंगे वो सदन में इच्छानुसार मत देने का अधिकार होगा उनको। और हमारा दल बदल में हम लोगों ने क्या देखा कि रिट जारी हो गई तो उसी पर, अगर रिट में कहा गया है कि पक्ष में किसी प्रस्ताव के वोटिंग करना है तो प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग होगी, अगर रिट में कहा गया है कि विपक्ष में वोटिंग करनी है तो विपक्ष में। तो ये हम देखते हैं क्या है। ये कहता है संविधान कि संसद या सांसद को किसी प्रस्ताव पर इच्छानुसार मत देने का अधिकार होगा। यहीं पर एक लाइन और जोड़ी गई है, वो ये जोड़ी गई है कि ये जो मत देने का अधिकार होगा इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, मतलब इस पर कोई चर्चा न्यायालय में नहीं होगी। मत देने का जो अधिकार है इस पर न्यायालय में कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं। लेकिन हम देखते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम क्या कहता है। पिछली क्लास में पूरा डिस्कशन किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम ये कहता है कि अगर किसी प्रस्ताव पर पॉलिटिकल पार्टी है, उसने क्या किया, व्हिप जारी कर दिया। व्हिप में क्या होगा, निर्देश दिया जाएगा जो पार्टी का मेंबर होगा, मतलब सांसद जो होंगे उनको ये व्हिप जारी की जाएगी कि प्रस्ताव के पक्ष में या फिर विपक्ष में, जिसमें वोट करने के लिए कहा जाएगा उसको करना पड़ेगा। और अगर वोटिंग नहीं करता है, यानी कि पार्टी व्हिप के अगेंस्ट में वोटिंग करता है, तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंट्रोडक्टरी है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि दल बदल जो विरोधी अधिनियम है उसको थोड़ा सा प्राथमिकता दी गई है संविधान के ऊपर। तो ये हमारे कुछ जो व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम इसके बाद देखते हैं सामूहिक जो है वो क्या है, सामूहिक विशेषाधिकार।
देखिए सामूहिक विशेषाधिकार ये है कि सदन को किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही से बाहर करने का अधिकार है। अब देख लेते हैं सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में। सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? सदन को किसी भी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही से बाहर करने का अधिकार है। बाहर करने का अधिकार है। अब देखिए यहीं से निकल के आता है गुप्त बैठक का प्रावधान। पिछली क्लास में हमने गुप्त बैठक के बारे में डिस्कशन किया। गुप्त बैठक में क्या देखा था कि जो संसद है वो गुप्त बैठक कर सकती है, वो भी अध्यक्ष महोदय के कहने पर। अब गुप्त बैठक में होगा क्या, किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगर चर्चा करनी है जो राष्ट्रहित में इम्पॉर्टेंट है और लोगों के संज्ञान में नहीं आनी चाहिए, ऐसी बातें। और इसके साथ साथ देखेंगे कि सामूहिक विशेषाधिकार में कि ये सामूहिक विशेषाधिकार दूसरा है कि सदन को अपनी कार्यवाही को कि जो सदन की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही है उसको प्रकाशित करवा सकता है, प्रकाशित करने का अधिकार और नहीं प्रकाशित होने से रोकने का अधिकार, प्रकाशित होने से रोकने का अधिकार। रोकने का अधिकार है। आप सपोज करिए कि कोई ऐसा इशू चल रहा है जो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, सिक्योरिटी का है, और जिसको लगता है कि ये न्यूज़पेपर ये आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है दुनिया भर में, तो ऐसी कोई सूचना है जो दुश्मन देश को नहीं पहुँचनी चाहिए, तो अगर ये प्रकाशित हो जाती है तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सदन को ये अधिकार दिया गया है कि आप चाहें तो अपनी बैठक को जो कार्यवाही है उसको प्रकाशित करवाएं या ना करवाएं। अब सपोज़ करिए किसी दिन जूता चप्पल चल गई सदन में, आपस में ही जो हमारे सांसद महोदय हैं उन्होंने मारपीट कर ली, तो क्या हो सकता है? अगर वो आपस में मारपीट कर लेंगे तो निर्देश जारी कर दिया जाएगा कि ये बैठक जो है वो आचरण के अनुरूप नहीं है, जो सदन की कार्यवाही होती है उसके अनुरूप नहीं है, कृपया इसे प्रकाशित ना किया जाए। लेकिन अगर फिर भी प्रकाशित हो जाए तो उसके लिए इसको दंड देने का अधिकार भी है। हम इसी के आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि सदन की जो विधायी प्रक्रिया है या जो प्रस्ताव है वो कैसे लाया जाता है। सम्मिलित रूप से देखते हैं, इसी में से दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। देखते हैं सदन की विधायी प्रक्रिया। सदन की विधायी प्रक्रिया, हम देखते हैं कोई प्रस्ताव है, समझते हैं पहले इसको। कोई प्रस्ताव है तो ये कैसे पास किया जाएगा, क्या प्रक्रिया, किन प्रक्रियाओं के जरिए गुजरेगा। सपोज करिए कि ये प्रस्ताव है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जाता है, सामान्य प्रस्ताव है हम कहेंगे, तो इसके तीन चरण होंगे। तीन चरण क्या क्या होंगे हम देखते हैं। पहली फर्स्ट रीडिंग होगी, प्रथम वाचन होगा, और दूसरा क्या होगा, सेकंड रीडिंग होगी, द्वितीय वाचन होगा, और फिर थर्ड रीडिंग या तृतीय वाचन होगा। अब देखिए प्रथम जो वाचन होगा उसमें क्या व्यवस्था है, इसमें कहा जाएगा कि इंट्रो पर बातचीत की जाएगी, और इसके महत्व पर, भूमिका और महत्व पर डिस्कशन किया जाएगा, मतलब बताया जाएगा कि ये जो प्रस्ताव है इस विषय पर लाया जा रहा है तो इसका ये काम होगा और ये इसका बेनिफिट होगा। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, देखिए सांसद महोदय की योग्यताओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अनपढ़, पढ़े लिखे, गवार, न जाने कहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद भी वो जीत भी जाते हैं, हम लोग जानते हैं किस तरीके से वो जीतते हैं। और जीतने के बाद वो क्या करते हैं,
आएंगे तो अब मान लीजिए कोई प्रस्ताव है जिस पर उनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, तो अब ज्ञान नहीं है तो यहाँ पर समितियाँ बनाई जाएंगी संसद के द्वारा। अब समिति जो बनाएगी वो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करेगी। अब प्रस्ताव का प्रारूप जब तैयार हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे ये जो अध्यक्ष साहब को इस प्रारूप को भेज दिया जाएगा। अध्यक्ष साहब जब को जब भेजा जाएगा पास में, तो उसके बाद खंडशः मान लीजिए कि कोई टॉपिक है जिसके 20 लेशन है तो हर टॉपिक पर अलग अलग खंडशः बहस करने का प्रावधान है। अब खंडशः बहस होगी। अब बहस के दौरान क्या होता है, जब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मिलती है, बौद्धिक स्तर के लोग जब मिलते हैं तो उसकी कुछ कमियां निकल के आती हैं और कुछ उसमें और नए महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े जा सकते हैं, तो उसमें जो संशोधन होंगे या कुछ सुझाव या सलाह जो दी जाएगी उसको जोड़ा या घटाया जाएगा, पॉजिटिव किया जाएगा या फिर नेगेटिव किया जाएगा। और इस पर डिस्कशन के बाद तीसरा पड़ाव ये होगा, इसको सदन में वोट के लिए रखा जाएगा। अब वोट के लिए रखा गया, अब वोट में पारित अगर हो गया तो विधेयक जो है अधिनियम बन जाएगा, लेकिन अगर पारित नहीं हुआ तो वो रद्द हो जाएगा। और पारित होने के बाद हम देखते हैं क्या होता है, यहां से पारित जब हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कहने का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर पहले सदन लोकसभा में इनिशिएट है तो वही प्रक्रिया राज्यसभा में होगी, तब फिर मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा में इनिशिएट है तब लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा के बाद तब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास इसमें तीन ऑप्शन है, साइन कर दे तो अधिनियम, नहीं कर दे रद्द कर सकते हैं, इसके साथ साथ पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं कि आप इस पर पुनः विचार कर लीजिए, और अगर पुनर्विचार के बाद संसद उसी विधेयक को शब्दशः प्रस्तुत कर देती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद दोस्तों।